Good morning. Today we shall discuss some problems for JEE Advanced paper. Board में आपसे questions पूछे जाते हैं. They are just concepts, and in JEE mains, questions are framed on the application of concepts. And in JEE Advanced, two or more concepts are mixed, and question is framed that more than one concept is applicable on that. So don't be afraid of this. Just keep on doing this. You shall achieve the goal. देखिए, consider a quadratic function f of x is equal to ax square plus bx plus c. ABC real number है. A is not equal to zero. Satisfying the following conditions. Number one, f x minus 4 is equal to f2 minus x. For r, x belongs to real number and f of x is greater than x for all real x. एक condition ये दी है. दूसरा है fx is less than equal to x plus 1 by 2 का whole square. x किसके बीच हो यहां पर 0 और 2 के बीच. थर्ड है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज जीरो. देखिए, हम इन दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. दो कंडीशंस में जो बातें दी हैं इसके ये अप्लाई करके देखते हैं. फर्स्ट हमें ये पता है, वी नो दैट इफ एफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a plus x, this implies fx is symmetric about x is equal to a, इस लाइन के अबाउट symmetric. अब डायरेक्ट नहीं दिया, हमें दिया हुआ है fx minus 4 is equal to f of 2 minus x. x की जगह अगर हम x की जगह x प्लस 3 रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर x माइनस 1 एंड प्लस सॉरी इज इक्वल टू f माइनस 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x. तो ये क्या हो गया यहां पर, दिस इज f ऑफ x प्लस माइनस 1 is equal to f of minus 1 and minus x. इससे compare करेंगे, so fx is symmetric about x is equal to minus 1. x is equal to minus 1 line के about symmetric हो. तो यहां से second condition है क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास एंड मिनिमम वैल्यू जीरो है. मिनिमम वैल्यू कितनी होती है वाई की, माइनस डी बाई फोर ए, एंड वो जीरो है. तो फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस 1, दिस इज प्लस 1. इस लाइन के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है. एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है, जीरो है. मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है मींस पैराबोला है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोलिक ग्राफ देता है और यहां पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मींस पैराबोला अपवर्ड खुलेगा एंड मिनिमम वैल्यू जीरो. दिस इज द पैराबोला, ए ग्रेटर देन जीरो. तो यहां पर दो कोइंसिडेंट रूट्स हो जाएंगी एंड एफ एक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. फंक्शन x इज इक्वल टू माइनस 1 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, मिनिमम वैल्यू जीरो है, पैराबोला अपवर्ड खुल रहा है. तो एक ही कंडीशन बचती है आपके पास, एफ एक्स कितना होगा, a इंटू एक्स माइनस फर्स्ट रूट और इंटू एक्स माइनस सेकंड रूट. दोनों रूट्स कॉन्साइड कर रही हैं, इट मींस क्या आ गया फंक्शन आपके पास, a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. सेकंड कंडीशन इसने दी है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि एफ एक्स
इज ग्रेटर देन एक्स है फॉर ऑल रियल एक्स, तो एफ वन भी क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। एंड यहां पर क्या कह रहा है, जीरो से टू के बीच कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए लेस देन इक्वल टू वन होगा। तो यहां से एफ वन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज लेस देन इक्वल टू वन, वन रखेंगे इसमें, वन प्लस वन टू बाई टू, दिस इज वन, दिस इज लेस देन इक्वल टू वन, सॉरी दिस इज यस लेस देन इक्वल टू वन एंड दिस इज ग्रेटर देन। सो आपके पास अल्टीमेटली एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहां पर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी आती है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू वन, एफ एक्स वन है आपके पास, तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन है, वन रखेंगे, एफ वन इज इक्वल टू क्या, जिसका स्केल, दिस इज इक्वल टू ए इंटू फोर, एफ एफ वन ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्या आ जाएगा, ए एफ वन की वैल्यू वन है, दिस इज वन बाई फोर। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्केल एंड ए की वैल्यू अपॉन फोर, दिस इज द फंक्शन। पूछ क्या रही है, द वैल्यू ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल, ए के लीडिंग को ए की वैल्यू पूछ रहा है, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल ए एंड ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, वन बाई फोर। सेकंड पूछ रहा है एफ डैस एक्स की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा, एफ डैस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, टू इंटू एक्स प्लस वन बाई फोर, दिस इज टू, एफ डैस वन निकाल लो यहां से, एफ डैस वन एक्स की जगह वन रख देंगे, दिस इज वन प्लस वन बाई टू, दिस इज इक्वल टू वन, एफ डैस वन आपके पास कितना आया, वन आया। इस क्वेश्चन में दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, टू एक्स आई थिंक दिस इज माइनस वन, माइनस वन फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट एफ इज सच दैट माइनस इंफिनिटी टू ए क्लोज इंटरवल चेंजेस टू बी टू इंफिनिटी वेयर ए इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर विच एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। एफ एक्स मीन्स वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, सॉरी माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू। अब ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस मीन्स हर एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन ऑन टू है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन टू होते हैं एंड पॉलिनोमियल सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इस सर्टेन इंटरवल में भी ये कंटिन्यूअस होगा, मीन्स ऑन टू होगा। एंड एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन, वन वन होने के लिए या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए या फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मीन्स या तो x माइनस वन लेस देन जीरो और x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन वन और x ग्रेटर देन वन। अब यहां पर कह रहा है कि फंक्शन इज सच दैट माइनस इंफिनिटी टू वन, तो यहां पर जो n आपकी वैल्यू है इंक्रीजिंग जस्ट इंक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम सिर्फ लेस देन लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास वन, इसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है मींस वन वन है, हालांकि ये इसमें इंक्रीजिंग है, दोनों इंटरवल को अगर मिलाएंगे उसमें न फंक्शन वन वन नहीं है, या तो ये इंटरवल कंसीडर कीजिए या ये इंटरवल कंसीडर कीजिए, इन दोनों इंटरवल में सेपरेटली फंक्शन वन वन होगा। तो यहां पर माइनस इंफिनिटी से ए गया है तो इसका मतलब f माइनस इंफिनिटी टू वन बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फंक्शन पॉलिनोमियल एंड डिक्रीजिंग है, इट मीन्स वन।
एंड ये किस में चेंज होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई किसके इक्वल किस पर एग्जिस्ट करेगी जब इसकी डोमेन के एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मींस एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसके मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज माइनस 2 से इंफिनिटी। अब यहां पर आपके पास इससे कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी की, दिस इज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट है इसका, ये कहता है लेट f इज सच दैट r चेंजेस टू r एंड gx इज इक्वल टू, gx आपके पास है f ऑफ x प्लस 3x, gx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 3x माइनस 1, वैल्यू रख दो एफ एक्स की, क्या दे रखा था एक्स के माइनस 2x एंड माइनस 1 माइनस 1, दिस इज एक्स के सॉरी दिस इज 3x माइनस 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1, दिस इज एक्स के प्लस x माइनस 2 एंड इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाए हम, दिस इज x माइनस प्लस 1 बाई 2 एंड माइनस माइनस दिस इज आई थिंक 9 बाई 4, दिस इज जी एक्स एंड जी मॉडुलस x की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ द जी x मॉडुलस, तो ये क्या आ जाएगा इसको हम कैसे लिख लेंगे, दिस इज x मॉडुलस प्लस 1 बाई 2 का होल स्केयर माइनस 9 बाई 4। अब यहां पर ये फैक्टर देखना है कि इसकी लिस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, लिस्ट वैल्यू इसकी जीरो हो सकती है एंड जीरो कहां पर हो सकती है जब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, अदरवाइज ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और जीरो रहेगी, तो लिस्ट वैल्यू इस फैक्टर की कितनी हो सकती है जीरो, तो जी मिनिमम क्या आ जाएगा आपके पास, जी मिनिमम इज इक्वल टू ये जीरो रखेंगे 1 बाई 4 और माइनस 9 बाई 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ जी मॉडुलस एक्स, दिस इज माइनस 2, दोनों पोर्शन आ गए हैं। अब ये कह रहा है थर्ड पार्ट है इसका, इसमें कहता है कि एफ इज सच दैट ए टू इंफिनिटी जा रहा है, चेंजेस टू बी टू इंफिनिटी, फाइंड द एफ इनवर्स एक्स। अब देखिए हमने देखा था कि फंक्शन हर रियल नंबर के लिए क्या आपका ऑन टू है एंड एक्स लेस देन इक्वल टू के लिए डिक्रीजिंग है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां भी 1 1 है और यहां भी 1 1, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये इंटरवल कौन सा ले रहा है, ये ए से इंफिनिटी, तो यहां पर क्या आ जाएगा एफ इज सच दैट 1 टू इंफिनिटी चेंजेस टू बी, क्या था अपना बी था लिस्ट वैल्यूज की, कहां जाएगा माइनस 2 से इंफिनिटी, माइनस 2 से इंफिनिटी, तो ये इस वैल्यू में फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, ऑन टू ऑलरेडी है, इट मीन्स बाइजेक्टिव है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स such that minus 2 से infinity this changes to कहां जाएगा आपका 1 to infinity जाएगा, means f inverse जो होगा वो पॉजिटिव होगा 1 से इंफिनिटी तक होगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है 1 1 ऑन 2 है, तो सिंपली क्या करेंगे फंक्शन में, फंक्शन दिया हुआ आपके पास x square minus 2x plus 1 is equal to y put किया, यहां से एक्स के माइनस 2x प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स यहां पर रियल होगा, एक्स रियल होगा तो क्या जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दिस इज 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस क्या कर देंगे, दिस इज 4 माइनस आई थिंक दिस इज माइनस वन है तो ये माइनस ले लो, यहां पर माइनस
वन प्लस वाई क्या आ जाएगा, फोर, फोर इंटू वन प्लस वाई, फोर इंटू वन प्लस वाई अपॉन टू, टू थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लो, आपके पास क्या बचेगा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू टू वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस वाई, टू प्लस वाई, लेकिन एक्स आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस वाई, एंड ऑन टू फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एंड x इज इक्वल टू कितना होता है f इनवर्स y, तो यहां से क्या आ जाएगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस वाई, और f इनवर्स x लिखेंगे, वेरिएबल को चेंज कर दो, दिस इज इक्वल टू वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस एक्स, दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट केस देखिए, फोर्थ और कह रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज एफ इज सच दैट रियल वैल्यू से रियल वैल्यू में जा रहा है फंक्शन, देन वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स मोडुलस इज इक्वल टू के हैज फोर डिस्टिंक्ट ट्रू, एफ एक्स मोडुलस इज इक्वल टू के हैज फोर डिस्टिंक्ट ट्रूथ्स, एफ एक्स के की कौन सी वो वैल्यू होगी जिसके लिए ये फोर डिस्टिंक्ट ट्रूथ रखेगा। देखिए एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस टू, ये एक पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व है मींस क्या है, वर्टेक्स कहां होगा इसका, वर्टेक्स के लिए क्या रहेगा आपके पास, दिस इज वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स इज इक्वल टू वन, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स है, एक्स इज इक्वल टू वन है तो वाई माइनस टू है, x इज इक्वल टू वन तो y माइनस टू, दिस इज वर्टेक्स हो गया वन और माइनस टू, एंड दिस इज x इज इक्वल टू वन पे लेंगे y इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, पैराबोला इस तरह से आएगा क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, ऐसा पैराबोला है। अब हमें वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन निकालना है, एफ एक्स मोडुलस इज इक्वल टू के होना चाहिए जिसके चार रूट हो, तो k की वो वैल्यू कौन कहां से कहां तक लाई कर सकती है। अब देखिए f x का ग्राफ ये है, f x मॉडुलस का ग्राफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उस ग्राफ को छोड़ दो, एंड बाकी जो ग्राफ बचा उसका y एक्सिस में मिरर इमेज ले लो, मींस आपके पास ये ग्राफ आ जाए, इस ग्राफ की मिरर इमेज ये कौन सी लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस टू लाइन, ये कौन सी लाइन है, यहां पर x जीरो है, x जीरो y माइनस वन, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस वन, तो k की वैल्यू चार रूट रखेगा x एक्सिस के अलोंग, पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे वो इसको चार जगह काटेगा, कब काट सकता है, जब एफ एक्स इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर के माइनस माइनस टू से लेकर के माइनस वन तक, तो के की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है यहां पर माइनस टू से माइनस वन। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर टू एक्स प्लस थ्री डिफाइंड ऑन आर टू आर is not injective. Injective means one one. This is one one. So देखिए f of x क्या दे रखा है आपके पास x raised to power four plus two x plus three and f dash x निकालेंगे this is equal to four x cube n plus two. ये r to r में नहीं तो ये greater than zero कह सकते हैं इसको हमेशा, नहीं इसको लेस देन जीरो कह सकते हैं, ये फंक्शन आर टू आर के लिए
न तो कंप्लीट इंटरवल में इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है. इट मीन्स समटाइम्स इट इज इंक्रीजिंग एंड एट द अदर अदरवाइज इट इज डिक्रीजिंग. सो ये क्या नहीं हो सकता आपका, दिस इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट वन, दिस इज नॉट वन. एंड तो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपकी, करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट इंजेक्टिव. एवरी फंक्शन ऑफ इवन डिग्री डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इज ऑलवेज नॉट इंजेक्टिव. बिल्कुल करेक्ट बात है, हमेशा इंजेक्टिव नहीं होता है. बाकी आपके इंटरवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें अगर आप डैश एक्स आपका पॉजिटिव या नेगेटिव ही आ रहा है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो सकता है. तो आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है एंड राइट अप एक्सप्लेनेशन है. सो ए आंसर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग log of this is x upon 4e plus e raised to power phi upon kya jayega, this is x. अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि इसकी रेंज जो है, रेंज आपके पास क्या है, f of x is r पॉजिटिव है. एंड सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज टू रियल नंबर्स ए एंड बी है, देन ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी. बिल्कुल करेक्ट है. अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है आपका, ज्योमेट्रिक मीन. यही बात यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर है एक्स बाई फोर ई प्लस ई क्यूब अपॉन एक्स अपॉन टू is greater than equal to square root of x upon 4e and e square upon x. x से x cancel हो गया, this is e cube, एक power खत्म हो जाएगी, x upon this is 4e plus e cube upon x is greater than equal to 1. so इसकी least value कितनी है, 1. least value इसकी कितनी हो सकती है, this is e square, e sorry This is E. 2 इधर जाएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, E बचेगा. This is least value इसकी क्या हो सकती है, E. And इसकी least value हो सकती है, तो Y least कितना हो सकता है, increasing function है, तो Y क्या हो सकता है least आपका, This is equal to, Y is greater than equal to log of log E. Log E 1 होता है, Y is greater than equal to log 1, this is 0. तो रेंज इसकी क्या आएगी आपकी, जीरो से लेकर के जीरो से इंफिनिटी तक आएगी. मीन्स नॉट ओनली आर पॉजिटिव, जीरो भी इसमें इंक्लूड होगा. तो स्टेटमेंट आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड सेकंड है वो सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू जी एक्स इज गिवन. दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to gx. It's shown the number of solution of the equation gx modulus minus 1 total ka modulus is equal to 1 by 2. Iske total number of solutions nikalne hain kitne honge. Dekhiye, sin x is equal to cos x. Agar solution nikalenge, y is equal to sin x ka graph draw kariye एंड वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है. सिमिलरली आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दें. अगर जी एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जी एक्स मॉडुलस क्या, जी एक्स टोटल का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जी एक्स के इक्वल. एंड यहां से क्या आ जाएगा, मॉडुलस जी एक्स माइनस वन, मॉडुलस इज इक्वल टू वन बाई टू. जी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई टू. जी एक्स इज इक्वल टू या तो माइनस वन इज इक्वल टू या तो वन बाई टू है या जी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. सो यहां से आ गया जी एक्स इज इक्वल टू दिस इज वन बाई सॉरी वन एड हो जाएगा दिस इज थ्री बाई टू.
थ्री बाई टू। सो इस इक्वेशन का आपके पास क्या हो, जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू हो। मीन्स एक तो वाई इज इक्वल टू जी एक्स, ये ग्राफ आपको दे रखा है, एक y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री बाई टू, y इज इक्वल टू थ्री बाई टू, ये आपका वन है, y इज इक्वल टू थ्री बाई टू ऐसे लेंगे, कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक जगह काटेंगे। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू थ्री बाई टू लिया आपने, कर्व को एक जगह काटेंगे, इट मीन्स क्या आ गया आपके पास, जी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू है तो देर इज ओनली वन सोल्यूशन, यहां पर वन सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा है आपके पास जी एक्स इज इक्वल टू, यहां से लेंगे जी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू आ जाएगा, तो जी एक्स को वन बाई टू लाइन, वाई इज इक्वल टू वन बाई टू लाइन, एक तो कर्व ये है वाई इज इक्वल टू जी एक्स कर्व है, एक वाई इज इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू मीन्स दिस इज वन लेस देन दिस, दिस इज वाई इज इक्वल टू वन बाई टू लाइन, कर्व को तीन जगह काट रही है, तो ये कितने सोल्यूशन देगा, दिस इज थ्री सोल्यूशन, ये थ्री सोल्यूशन देगा। सिमिलरली सेकंड केस ले सकते हैं हम, क्या जी एक्स इज लेस देन, जी एक्स इज लेस देन, जी एक्स इज लेस देन जीरो, तो यहां पर क्या जाएगा, मॉडुलस माइनस जी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, मीन्स वन प्लस जी एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू वन बाई टू, दिस इज जी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस वन बाई टू। एक केस में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, माइनस लेंगे तो जी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यहां से जी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू आ गया, माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू लाइन भी इसको एक ही जगह काटेगी। तो फर्स्ट केस में कितने सॉल्यूशन थे, जी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू आया था, वन सॉल्यूशन था, एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या आया था सेकंड केस में, वन बाई टू, थ्री सॉल्यूशन थे। अब जी एक्स इज इक्वल टू अगर माइनस थ्री बाई टू आता है, वन सॉल्यूशन है, एंड सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपके पास, जी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू ये लाइन होगी, ये भी कर्व को कितनी जगह काटेगी, तीन जगह, तो जी एक्स इज इक्वल टू दिस इज माइनस वन बाई टू, ये कर्व को तीन जगह काटती है, तो थ्री थ्री सिक्स सिक्स और टू, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एट सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है स्टेटमेंट वन, दिस इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हैज टू डिस्टिंक्ट एंड रियल सॉल्यूशंस, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल सॉल्यूशंस। यहां पर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप जानते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। सेकंड स्टेटमेंट है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आई एंड माइनस वन। ये पता हमें कि अगर इंटीजर्स हैं माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू क्या होता है जीरो, एंड माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन होता है जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स आई ले लो, एंड माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दोनों केस मिलाते हैं दिस इज माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा एंड प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस विल बी जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आई, तो स्टेटमेंट ये ठीक है। एंड सेकंड में माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन, तो माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास माइनस वन। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है एंड यही चीज इसमें इस्तेमाल करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स के
माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ले सकते हैं केस में जब एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर हो, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर हो तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दिस इज एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू या तो वन है या थ्री है, तो सॉल्यूशन आ गए। लेकिन एक केस हो रहता है व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू आता है सोल्यूशन। लेकिन यहां पर एक्स इंटीजर से बिलोंग नहीं कर सकता तो टू को आप रिजेक्ट कर देंगे, तो ओनली देर आर टू सोल्यूशन, एक्स कैन बी इक्वल टू वन और एक्स कैन बी इक्वल टू थ्री। ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्केयर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन माइनस थ्री, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एफ एक्स इज मिनिमम। ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स लिखेंगे हम, दिस इज एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्केयर प्लस एक्स प्लस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस थ्री। हमें ये पता है कि एक्स प्लस एन, एन इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है एन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्केयर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन माइनस थ्री, ये आ जाएगा। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्केयर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस टू, दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस टू इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन, ये फैक्टर होते हैं। अब ये कह रहा है कि फंक्शन मिनिमम है, देखिए एक्स लेस देन वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, दिस इज जीरो। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, व्हेन एक्स जीरो से वन के बीच है एंड देर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन जीरो एंड वन, सो इन सभी नंबर्स के लिए ये क्या हो गया, जीरो प्लस टू एंड इंटू जीरो माइनस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस टू। सो जीरो वन के बीच लाई करने वाले हर नंबर के लिए क्या होगा, सिर्फ एक नंबर के लिए माइनस टू नहीं है, फॉर मेनी नंबर्स बिटवीन जीरो एंड वन इट इज माइनस टू, सो इट इज मिनिमम फंक्शन। सिमिलरली यू कैन टेक लाइक एक्स इज लेस देन टू है ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स यहां क्या आएगा, दिस इज वन हो जाएगा, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस केस में क्या होगा, दिस इज वन, वन माइनस वन दिस इज जीरो एंड दिस इज ऑल्सो फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम फंक्शन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं, वी शैल चेक अदर ऑप्शन एज वेल। सेकंड क्या कह रहा है, दिस इज एफ एक्स वैनिशेस फॉर एटलीस्ट थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट, आपका एक्स लेस देन टू है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, दिस इज जीरो एंड दिस इज नॉट फॉर वन वैल्यू, दिस इज फॉर मेनी वैल्यूज, फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज इट इज जीरो, तो एटलीस्ट थ्री के लिए तो जीरो होगा ही होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, एफ माइनस एक्स निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस टू इंटू माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन आएगा प्लस वन हो गया इंटू माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन आएगा, दिस इज माइनस टू एंड एफ ऑफ
माइनस एक्स, दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, नीदर दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज नीदर इवन नोर ओर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दिस इज एपीरियोडिक फंक्शन, दिस इज एपीरियोडिक फंक्शन. यहां से हमें पता है दिस इज नॉट पीरियोडिक, दिस इज नॉट पीरियोडिक, तो ये सम ऑफ नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये पीरियोडिक नहीं है, दिस इज एपीरियोडिक. सो इसकी स्टेटमेंट्स ए बी सी डी फोर, चारों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. इस तरह से एडवांस के क्वेश्चन करते हुए उनसे घबराइए मत, कंसेप्ट्स को अक्यूमुलेट कीजिए और उनको अप्लाई करिए.